हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार सक्सेस एकेडमी। मैं मदन कुमार, हम लोग मैथ सीख रहे हैं और इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग अभी सीख रहे हैं साझा पार्टनरशिप सीख रहे हैं। उसमें टाइप वन हम लोग सीख चुके हैं। टाइप वन में क्या सीखे हुए थे है ना, पूंजी कुछ दिया हुआ रहता था, कुछ समय दिया हुआ रहता, पूंजी गुना समय गुना करके और लाभ का रेश्यो निकाल लेते थे। वहाँ से निश्चित राशि मिलता था प्रश्न में, उसका तुलना अनुपात के उसी पद से करते थे और जो भी निकालना है उसका गुना करते थे और निकाल लेते थे। इस क्रम में हम लोग दो क्लास कर चुके हैं ऑलरेडी, आज हम लोग का तीसरा क्लास है। जो लोग वो दो क्लास नहीं देखे हैं वो पहले जाके वो दो क्लास साझा का देख लीजिए, उसी से रिलेटेड अब आगे है ना। कुछ टॉपिक उसमें है, कुछ टर्म उसमें सीखे होंगे, कुछ इसमें सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं और इसको सीखते हैं। क्वेश्चन है, किसी व्यापार में बी की पूंजी ए तथा सी की पूंजी का 1/4 भाग है तथा बी ए और बी की पूंजी में 3:2 का अनुपात है। ए 4 माह तक, बी 6 माह तक और सी 5 माह तक व्यापार में रहता है, तो तीनों किस अनुपात में लाभ को बांटेंगे। लाभ का रेशियो बताना है, लाभ का रेशियो बताना है, ये है ना किस रेशियो में बांटेंगे वो हमको निकालना है। और ऊपर कुछ दिया हुआ है तो क्या करेंगे, लाभ का रेशियो निकालने के लिए बोले हुए हैं पहले ही। अगर आप लाभ का रेशियो निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले पूंजी निकाल लीजिए, आप पूंजी का समय से गुना कर लीजिए है ना, पूंजी गुना समय कीजिएगा तो वही हमारा लाभ का रेशियो हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ करना होगा, तो कैसे करेंगे, लाते हैं पूंजी पहले लिखेंगे, फिर समय लिखेंगे और फिर ये दोनों को आपस में जैसी गुना करेंगे लाभ का रेशियो हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, लिखते हैं। इसमें तीन आदमी है, ए बी और सी, ए बी सी तीन आदमी है। अब देखिए कह रहा है, रेशियो जब पढ़े होंगे वहाँ पर हम सिखाए हुए हैं क्या, यहाँ देखिए ये लाइन को हम अंडरलाइन कर रहे हैं, बी की पूंजी ए तथा सी की कुल पूंजी का 1/4 भाग है, ठीक है। तो जहाँ बोले थे कि कहीं भी प्रश्न पढ़िएगा, रेशियो अगर निकालना चाहते हैं अब भिन्न वाला भाग मिल जाए, कहीं भिन्न के रूप में लिखा हुआ मिल जाए और वहाँ पर अगर का अथवा से लग गया, का अथवा से लग गया तो यहाँ से रेशियो प्रकट कर लेंगे। अर्थात का अथवा से लग गया पूंजी में, किसके पूंजी में, तो ए और सी की कुल की पूंजी में, तो ए और सी के पूंजी में का अथवा से लग गया तो ए और सी कितना हो जाएगा, रेशियो में 4 हो जाएगा। ए और सी कितना होगा, रेशियो में 4 होगा। ए और सी एक साथ निकलेगा, इसका रेशियो में 4 होगा। और दूसरा टर्म क्या है, बी की पूंजी, तो बी की पूंजी बोले थे कि अंश वाला वैल्यू होगा, अर्थात बी की पूंजी कितना होगा, रेशियो में 1 होगा। तो ये हम लोग का रेशियो यहाँ तो इस लाइन से इतना प्रकट हुआ, लेकिन अभी भी अलग अलग नहीं हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, फिर कह रहा था ए तथा बी की पूंजी में 3:2 का अनुपात है। इसका तो पता है ए और बी की पूंजी में क्या रेशियो है, ये 3 है तो ये 2 है, ठीक है, ये रेशियो में दिया है पूंजी। अब पूंजी के बारे में कुछ विशेष नहीं, पूंजी आपको यहाँ पर है और यहाँ पर, यही 2 कंडीशन है। इस कंडीशन को आप किसी तरह संतुष्ट कीजिए और लाइए। देखिए यहाँ रेशियो में बी अगर 1 होता है तो ए और सी मिला कर कितना होता है, 4 होता है। अगर रेशियो में ये 2 होगा तो ये दोनों मिला के कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। रेशियो में अगर ये 3 होगा तो ये दोनों मिला के होना चाहिए 12 होना चाहिए, होना चाहिए। तो चलिए देखिए, अगर रेशियो में बी का पता हमको चला कि बी है 2 रेशियो में, तो ए और सी मिला के कितना होना चाहिए, अगर रेशियो में बी 2 है तो ये दोनों मिला के 8 होना चाहिए। नहीं तो 3 ऑलरेडी यहाँ पर है, इसको कितना बना दे, अगर रेशियो में 5 बना देंगे तो ये दोनों 8 हो गए, ठीक है। तो ये पूंजी का रेशियो लिखा गया, पूंजी का रेशियो लिखा गया। अब बोले हैं यही समय का रेशियो लिख लेंगे। समय देखिए, ए 4 माह तक, तो इसमें 4 से गुना कर लीजिए, बी 6 माह तक, तो 6 से गुना कर लीजिए, सी 5 माह तक व्यापार में रहता है, तो इतना इतना दिन रहा, जितना दिन रहा अर्थात ये पूंजी गुना समय कर लिए, पूंजी गुना समय सब जगह कर लिया, अर्थात ये क्या हो गया, ये लाभ का रेशियो में
कन्वर्ट हो गया, ये जो भी होगा गुना करके लिखेंगे लाभकारी से लिखाएगा। तो गुना कर लीजिए, चार तिहाई 12 हो जाएगा, छः दुनी 12 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। तो हम लोग का यही आंसर होगा, है ना, ऑप्शन नंबर एक। समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, यदि 6 ब्रैकेट में ए की पूंजी बराबर 8 बी की पूंजी 9 सी की पूंजी, तब ए बी तथा सी की पूंजियों का अनुपात क्या है। यहाँ बी का है ना, ए का पूंजी है, बी का पूंजी है, सी का पूंजी है, ये पूंजी के रूप में आपस में बराबर है ना। तो क्या करेंगे, निकलेगा लेकिन पूंजी के रूप में ही रेशियो निकलेगा, पूंजी के रेशियो ही निकालना है, इसलिए निकल जाएगा, निकाल लीजिए। इसको आप ध्यान से देखिएगा तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 और ए की पूंजी को खाली ए लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद 8 लिखते हैं, 8 की पूंजी बी की पूंजी को सिर्फ बी लिख लिए, फिर आगे 9 और सी की पूंजी को सिर्फ सी लिख लिया, ये सब आपस में बराबर है, बराबर कर दिए। ए बी सी का पूंजियों का रेशियो लिखना है, पूंजी का ही दिया हुआ था, ए बी सी का लिखना है तो निकल जाएगा। रेशियो में बताए हुए हैं, पढ़ाए हुए हैं क्या, कि जब दो या दो से अधिक राशि आपस में इस तरह से बराबर के रूप में रहे तो क्या करेंगे, इसका जो भी गुणांक है, इसका जो भी गुणांक है, इसको उलट के लिखते हैं, व्युत्क्रम के रूप में लिखते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, 6 का व्युत्क्रम 1/6, ए का गुणांक 6 है तो 6 का व्युत्क्रम 1/6, इसका गुणांक 8 है, इसका व्युत्क्रम 1/8, इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 1/9। अब कहे थे कि अगर रेशियो कभी भी आपको भिन्न के रूप में दिखाई दे, तो भिन्न के रूप में दिखाई दे रहा है, बटा के रूप में है, तो हरों का एलसीएम लेंगे और प्रत्येक पद में गुना कर देंगे। सबका हरों का एलसीएम कितना हो गया, ये सबका हरों का एलसीएम 72 हो गया, कितना हो गया, 72 हो गया। तो चलिए 72 हो गया, तो 72 से गुना इसमें आप कीजिएगा, 1/6 में 72 से गुना कीजिएगा, 12×6 12 बार में कट जाएगा। जब 72 से इसमें गुना कीजिएगा तो 9 बार में कट जाएगा। जब 72 से इसमें गुना कीजिएगा तो 9 से 72 कट जाएगा 8 बार में। तो हम लोग का यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आ नहीं तो इसको ये एक और बताए हुए ढक ढकिया नियम है ना, तो उसको ढक ढक के भी आप आंसर ला सकते हैं। जैसे ये का निकालना है, ये दोनों के गुणांक को गुना कर देते हैं, नहीं तो 9×8=72। बी का निकालना है तो बी को ढकते हैं, ये दोनों का गुना कर लेते हैं, नहीं बी का निकालना है तो ये दोनों को गुना कर रहे, 9×6=54। और उसी तरह से अगर सी का निकालना है तो ये दोनों को गुना कर लेंगे, क्या हो जाएगा, 8×6=48। कट रहा है तो काट दीजिए, ये क्या कट रहा है, 6 के पहरा से सब कट रहा है, 6 के पहरा से 12 बार में कटेगा, 6 के पहरा से 9 बार में कटेगा, 6 के पहरा से ये 8 बार में कटेगा। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 नीचे जगह नहीं है, ऊपर बनाएंगे, तो ऊपर बनाने के लिए इसको मिटाते हैं। चले क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। किसी व्यापार की शुरुआत ए बी सी करते हैं, बी कुल पूंजी का 1/6 भाग निवेश करता है तथा ए और सी समान पूंजी निवेश करते हैं, है ना। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 बनाए थे मोटे तौर पर ये भी उसी तरह से है, और कह रहा है बी और सी के लाभों में अंतर, लाभ में अंतर बताना है। जब लाभ में अंतर पूछ रहा है तो आपका लाभ का रेशियो जरूरी है। निश्चित राशि भी देखिए, यदि वार्षिक लाभ 33,600 रुपये है, अर्थात निश्चित राशि लाभ के रूप में है, तो रेशियो भी लाभ का निकालना पड़ेगा। तो लाभ का रेशियो निकालिए, कैसे निकलेगा, देखिए ए बी सी, यहाँ देखिए यहाँ से निकलेगा, कह रहा है बी कुल पूंजी का 1/6 भाग निवेश करता है। तो देखिए कुल पूंजी में का लग गया, किस में लग गया, बी कुल पूंजी का 1/6 भाग निवेश करता है, तो रेशियो निकलेगा है ना, यहाँ किसका निकलेगा, तो यहाँ कुल पूंजी का
और दूसरा निकलेगा बी का, ये दो चीज़ का रेशियो निकलेगा। बोले हुए हैं का अथवा से जिस टर्म में लग जाएगा उसको हर मानिएगा। इसमें लग गया कुल पूंजी में, तो कुल पूंजी 6 होगा तो बी का पूंजी कितना होगा, ए होगा। तो यहाँ से रेशियो प्रकट हो जाएगा, एक बी का पता चल जाएगा एक हो गया, और ये कुल पूंजी है ना, आ कुल पूंजी का रेशियो हो जाएगा रेशियो में 6। तो ये दो चीज़ का रेशियो निकला है। आगे कह रहा है तथा ए और सी समान पूंजी निवेश करते हैं, समान का मतलब हुआ बराबर बराबर। ए और सी जितना ये लगाएगा उतना ही ये लगाएगा, जितना ये लगाएगा उतना ही ये लगाएगा, समान का मतलब बराबर बराबर। तो देखिए कुल पूंजी 6 है, उसमें से ए बी जो है एक लगा लिया, बचा कितना 5 पूंजी। तो 5 में अढ़ाई ये लगाएगा, अढ़ाई ये लगाएगा, बचा उसी में से ना आधा आधा लगाएगा, अर्थात बराबर बराबर लगा। तो अढ़ाई इसको भी कर दीजिए, अढ़ाई इसको, अढ़ाई करने का मतलब 5 बचा है, 5/2 कर दिए, ये भी 5/2 कर दिए, चलिए कर दिए, चाहे अढ़ाई भी डायरेक्ट लिख सकते हैं 2.5। अब करना क्या है, यहाँ पर देखिए ये भिन्न के रूप में है, ये भी भिन्न के रूप में, एगो संख्या के रूप में, तो हरों का एलसीएम लेके और पूरे को संख्या के रूप में कर देते हैं। 2 का/1 और 2 का LCM 2 हो गया, जब 2 से इसमें गुना कीजिएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, रेशियो बचेगा 5, इसमें 2 से गुना कीजिएगा तो 2 × 2 हो जाएगा, 2 से इसमें गुना कीजिएगा तो कट ही जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 5। तो ये क्या हो गया, अभी हम लोग पूंजी लिख रहे थे तो ये सब पूंजी का रेशियो हो गया, किसका हो गया पूंजी का, तो पूंजी का ये रेशियो हो गया। आप समय चाहिए तो कह रहा है क्या, यदि वार्षिक लाभ इतना रुपए हो, वार्षिक मतलब व्यापार एक वर्ष तक चला है, तो ये पूंजी का लिखा ही गया है रेशियो, इसमें समय से गुना कर लीजिए, समय से जब गुना कीजिएगा तो ये क्या हो गया लाभ का रेशियो, अब इसको बोलेंगे ये लाभ का रेशियो हो गया। आ कुल लाभ कह रहा है, कुल वार्षिक लाभ 33,600 रुपये, कुल लाभ की राशि है, आ कुल लाभ आप लोग यहाँ से निकालिए, कुल लाभ कितना 5, 5, 10 और 2, 12, कुल लाभ की राशि कितना है 12, तो 12 से तुलना होगा, निकालना है उसको गुना, निकालना क्या है बी तथा सी के लाभों में अंतर, बी और सी के लाभों में अंतर, बी यहाँ है और सी यहाँ है, बी और सी के लाभों में अंतर कितना हो गया 3 का, तो 3 से गुना कर लेंगे, वही तो निकालना है, इससे ये कट जाएगा कै बार में 4 बार, 4 से इसको काट दीजिए, 8 × 32 = 16, 84, 100 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है इसका। और कुछ क्वेश्चन देखते हैं आगे, चलिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है ये, साझे के एक व्यापार में ए कुल पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए, बी कुल पूंजी का 1/3 भाग 1/3 समय के लिए तथा सी पूंजी का शेष भाग पूरे समय के लिए निवेश करता है, 4600 रुपये की कुल लाभ में से बी का भाग कितना होगा बताना है। इस टाइप का ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में भी आता है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग जो बेसिक चल रहा है उसी आधार पर इसको सॉल्व करेंगे, बेसिक में यही चल रहा है कि ए बी सी 3 आदमी हैं, तो पहले इसमें पूंजी लिखते हैं, पूंजी का रेशियो लिख लेंगे, फिर इसमें समय से गुना कर लेंगे, लाभ का रेशियो निकल जाएगा। आगे क्या है, 4600 रुपये के कुल लाभ, मतलब निश्चित राशि क्या है 4600 रुपये कुल लाभ का है, इसलिए रेशियो भी कुल रेशियो भी निकालना होगा लाभ का ही, तो लाभ का रेशियो निकालिए। तो पहले पूंजी लिखते हैं, कह रहा है ए कुल पूंजी का 1/6 भाग, हम क्या बताए हैं का अथवा से जिसके साथ लग गया, का अथवा से जिसके साथ लग गया उसको हर वाला मान देते हैं, यहाँ कुल पूंजी के साथ लग गया तो कुल पूंजी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, कुल पूंजी 6 हो जाएगा तो ए का हो जाएगा ए, लेकिन इतना से आपका काम नहीं चलेगा, इसमें देखिएगा तो 1/6 यहाँ भी है पूंजी के रूप में, आगे पूंजी के रूप में देखिए यहाँ पर कुल पूंजी का 1/3 भाग बी को, तो 2 जगह ना हो गया,
पूंजी यहाँ भी है और यहाँ भी है। जब यहाँ ऐसे कीजिएगा तो पूंजी यहाँ के अनुसार 6 होगा कुल पूंजी, लेकिन वहाँ के अनुसार 3 कुल पूंजी होगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो क्या कीजिएगा, जब प्रश्न में है ना दो जगह या दो से अधिक जगह भिन्न के रूप में कोई चीज़ अगर दिख जाए, तो अगर एक जगह लाना है तो क्या रेशियो में ये पढ़े हुए क्या करेंगे, हरों का एलसीएम ले लीजिए। क्या कीजिए, हरों का एलसीएम ले लीजिए, है ना। तो यहाँ पर हर कितना है 6 और वहाँ पर 3, तो हरों का एलसीएम 6 का 3 का हो गया 1/6, यहाँ है 1/3 यहाँ है पूंजी में। तो कहे कि हरों का जब एलसीएम लीजिएगा तो इसका एलसीएम कितना 6 है ना, तो कहेंगे कि कुल पूंजी हो गया कितना, कुल पूंजी हो गया हम लोग का रेशियो में 6। अब प्रश्न के अनुसार चलेंगे, कुल पूंजी 6 हो गया, क्या है ए कुल पूंजी का 1/6 भाग, तो कुल पूंजी 6 हो गया ए को 6 का 1/6 ना, तो 6 का 1/6, 6 से 6 कट गया अर्थात एक को 1 मिलेगा। चलिए बी के बारे में कह रहा है, बी कुल पूंजी का 1/3 भाग, 1/3 समय, रेशियो लिख रहे हैं अभी पूंजी का, तो समय को नहीं इसमें शामिल करते चलेंगे, है ना, समय को छोड़ते चलेंगे। जैसे यहाँ छोड़ दिए, आगे भी समय छोड़ देंगे, जब समय का रेशियो लिखेंगे तब समय का से मतलब रखेंगे, अभी हम पूंजी का रेशियो लिख रहे हैं इसलिए सिर्फ पूंजी से मतलब रख रहे हैं। बी कुल पूंजी का 1/3 ना, तो कुल पूंजी कितना है 6 है, तो 6 का 1/3 कीजिएगा, इसे ही कट जाएगा दो बार में, अर्थात 2 किसको मिलता है, बी को मिलता है। और सी के बारे में कह रहा है, सी पूंजी का शेष भाग जो बचा उस सब सी लगाता है नहीं, तो 1 यहाँ और 2 यहाँ, तो 3, 6 में से 3 लग गया था बचा 3, तो 3 जो शेष बचा वो सब सी लगा दिया पूंजी, ठीक है। ये पूंजी का रेशियो लिखा गया, किसका लिखा गया, पूंजी का। अब समय का चाहिए रेशियो, तो समय भी इसी फॉर्मेट में है, 1/6 भाग है ना, आगे क्या है 1/3 भाग, तो दो जगह है 1/6 1/3, तो वही चीज़ है, इसलिए इसका भी एलसीएम क्या हो गया, पूंजी के समय के रूप में भी टोटल समय हो गया, कुल समय कितना हो गया 6, कुल समय हो गया 6, लिख लिया। अब चलिए समझिएगा बारीकी से, कह रहा है अब यहाँ पर ना इतना टर्म गायब कर दीजिए, बोलेंगे ए है ना कुल समय के 1/6 भाग यूज करता है, तो कुल समय अगर 6 है तो 1/6 का मतलब हुआ 6 का 1/6 एक, मतलब कि ए जो है एक समय के लिए यूज करता है। बी कह रहा है बी है ना कुल समय जितना हुआ उसका 1/3 समय के लिए, तो कुल समय 6 है तो 6 का 1/3 2 होता है, तो 2 समय हो गया। और उसी तरह से सी के बारे में, सी पूंजी का शेष भाग, तो इतना पढ़ना है ना पूरे समय के लिए, तो समय हमको लिखना है पूरे समय, तो पूरा समय कितना 6 है, इसलिए ये 6 समय के लिए रहेगा, ठीक है। समय का भी रेशियो लिख लिए, आई ऊपर पूंजी है नीचे समय है, इसलिए गुना कर देंगे, ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, ये 18 हो गया, तो ये क्या हो गया, लाभ का रेशियो हो गया। लाभ का रेशियो पूछता तो यहीं पर आंसर हो जाता, लेकिन पूछ रहा है बी का सिर्फ भाग, तो कहेंगे क्या कि ये 4600 जो है ना, 4600 रुपये निश्चित राशि है कुल लाभ का, तो कुल लाभ यहाँ से जोड़ लेंगे, 18 4 22 31, कुल लाभ का रेशियो में कितना है तो 23 है, तो 23 से तुलना कर लिए, बी का निकालना है तो बी का यहाँ रेशियो में 4 है, 4 से गुना कर लिए, इसे ही कट गया 200 बार में, तो 2 2 800 इसका हो जाएगा, 2 4 में गुना कर देंगे 800, तो इस तरह से इसका आंसर निकल गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते है ना, राम मोहन सोहन क्रमशः, राम है मोहन है और सोहन, क्रमशः 5:6:8 के अनुपात में पूंजी लगाता है। सबसे पहला काम तो पूंजी लिखना होता ही है, इसलिए रेशियो देखिए पूंजी का है, तो फटक से ना लिख दिए पूंजी का रेशियो। अब कह रहा है उसके व्यापार में रहने का समय, जब पूंजी लिख लीजिएगा तो समय ढूंढिएगा, समय देखिएगा कि समय क्या, तो समय पूंजी के विलोमानुपात में, विलोमानुपात विलोम बताए थे, विलोम का मतलब उल्टा होता है, इन्वर्स होता है, रेसिप्रोकल होता है, त
तो वही है विलोमानुपात, मतलब जितना भी पूंजी होगा समय जो होगा ना पूंजी के विलोम के रूप में होगा। तो कह रहा है मोहन का, मोहन को लाभ का अपना हिस्सा 45 है, 4500 रुपया प्राप्त होता है सिर्फ मोहन को। तो ये देखिए निश्चित राशि मोहन का है, तो तुलना भी कीजिएगा मोहन का जो होगा लाभ का रेशियो उससे तुलना कर लेंगे, और सोहन का पूछ रहा है उसका गुना कर लेंगे, आंसर निकल जाए। ये तो हो गया क्या पूंजी का रेशियो लिखा गया, साथ में समय चाहिए। तो देखिए विलोमानुपात, 5 का विलोम क्या होता है 1/5, अर्थात समय तो 1/5 से गुना। 6 का विलोमानुपात 1/6, तो इसमें क्या करेंगे 1/6 से गुना, इसमें 1/8 से गुना, कट ही जाएगा ये तो 1:1 होगा। ठीक है, इसे ही कट जाएगा, इसे ही कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। अब देखिए ये 4500 मोहन का है, तो यहाँ देखिए रेशियो में मोहन का कितना है, 1 है लाभ का रेशियो, इसलिए 1 से तुलना होगा। निकालना है किसका, सोहन को कितने रुपए मिलेंगे, तो सोहन भी तो रेशियो में 1 के है, तो 1 से गुना कर लीजिए, अर्थात 4500 ही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इसी तरह से हम लोग कुछ क्वेश्चन बराबर लाते रहेंगे, आप चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए।